क्लास सेकेंड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट वन हैड बीन डन फॉर यू राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को और अच्छे से अगर समझना होगा तो आप लोग वीडियो आप देख लीजिएगा मैथमेटिक्स पार्ट 3 का वीडियो आप लोग के लिए इनिशिएट किया गया था। जैसे 9 फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता, प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे कोई डिजिट रहेगा वो होगा, 9 वंस पे है फेस वैल्यू 9 ही होगा और प्लेस वैल्यू भी वंस है तो 1 होगा, 0 0 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों 0 ही हो जाएगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 3 का प्लेस वैल्यू 300 होगा क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू यहाँ भी 4 होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। अब आते हैं प्लेस वैल्यू पे, 4 वंस प्लेस पे है तो 4 का प्लेस वैल्यू 4, 4 टेंस प्लेस पे है सो 4 का प्लेस वैल्यू 4 टेंस 40 होगा। राइट द प्लेस वैल्यू, यहाँ पे बच्चों 5 वंस है तो 5 का प्लेस वैल्यू 5, 4 टेंस है सो 4 का प्लेस वैल्यू 40, 100 है सो 1 का प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग ये एग्जांपल और ये एग्जांपल भी आप लोग कर लेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स आर गिवेन, कैन यू राइट द नंबर। प्लेस वैल्यू बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे, यू हैव टू राइट द नंबर। 6 वंस है तो वंस के जगह पे 6 लिखेंगे, टेंस के जगह पे 0, 100 के जगह पे 8, इस तरीके से आपका नंबर हो जाएगा 806। यहाँ पे भी वंस के प्लेस पे 9 रख देंगे, टेंस के प्लेस पे 5 रख देंगे, 100 के प्लेस पे 3 रख देंगे, इस तरीके से आपका नंबर हो जाएगा 359। बच्चों अब इसको आप लोग बहुत अच्छे से अपने कॉपी में कर लेंगे, अब तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो आप लोग वीडियोस का हेल्प लीजिएगा।